CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम मुर्गा और कौवा। आलेख मधुपंत का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं LG सुमित्रा। नमस्ते। नई कहानी नई पुरानी, नई कहानी नई पुरानी, जैसे नानी कहे कहानी। नई कहानी नई पुरानी, जैसे नानी कहे कहानी। एक था राजा एक थी रानी, मैंने कह दी तुमने जानी। एक था राजा एक थी रानी, मैंने कह दी तुमने जानी। इसे सुनाना सभी जुबानी, इसे सुनाना सभी जुबानी, सुन लो रामो मुनिया रानी। सुन लो रामो मुनिया रानी, रामो मुनिया रानी, रामो मुनिया रानी, सुन लो रामो मुनिया रानी। नई कहानी नई पुरानी, सुन लो रामो मुनिया रानी। नई कहानी नई पुरानी, सुन लो रामो मुनिया रानी। एक था मुर्गा, बड़ा भला नेक और मेहनती। एक था कौवा, महा आलसी। एक बार दोनों ने सोचा कि खेती की जाए। मुर्गा बीज ले आया और कौवे से बोला, कुकड़ुकू कुकड़ुकू, कौवे भाई कौवे भाई, आओ आओ करें बुआई। कौवा बोला, काव 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 काव, थोड़ा सा कर लूं आराम। तो बच्चों, कौवा करता रहा आराम और मुर्गा अकेले ही बुआई कराया। उसके बाद खेत में पानी देना था। फिर मुर्गा कौवे के पास आकर बोला, कुकड़ुकू कुकड़ुकू, कौवे भाई कौवे भाई, आओ आओ करें सिंचाई। कौवा बोला, काव 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 काव, थोड़ा सा कर लूं आराम। और कौवा आराम करता रहा, मुर्गा सिंचाई भी कराया। कुछ दिनों के बाद पौधे के साथ साथ हरी घास भी उग गई, जिसकी निराई करनी थी। मुर्गा फिर कौवे के पास आकर बोला, कुकड़ुकू कुकड़ुकू, कौवे भाई कौवे भाई, आओ आओ करें निराई। कौवे ने फिर वही जवाब दिया, क्या, काव 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 काव, थोड़ा सा कर लूं आराम। और कौवा करता रहा आराम और मुर्गा निराई भी कराया। अब जब फसल तैयार हो गई, तो मुर्गा फिर कौवे के पास आकर बोला, कुकड़ुकू कुकड़ुकू, कौवे भाई कौवे भाई, आओ आओ करें कटाई। कौवे ने फिर वही जवाब दिया, काव काव काव,
मुर्गे ने फसल भी काट ली। फसल काटकर मुर्गे ने कूटकर अनाज और भूसा अलग कर दिया। भूसे का लगा बड़ा सा ऊंचा सा ढेर और अनाज का लगा छोटा सा ढेर। अब मुर्गा कौवे के पास आकर बोला, कुकड़ुकू कुकड़ुकू, कौवे भाई कौवे भाई, बंटवारा हम कर ले भाई। और इस बार तो कौवा झट से आ गया। कौवा आया और खूब ऊंचा सा भूसे वाला ढेर देखकर सोचने लगा कि मैं तो यही बड़ा वाला हिस्सा लूंगा। और वो बैठ गया भूसे के ढेर के ऊपर कि मैं तो यही लूंगा। कौवे ने ना तो बुआई की, ना निराई की, ना सिंचाई की, ना कटाई की। उसे तो मालूम ही नहीं था कि किस ढेर में क्या है। मुर्गे ने बुआई भी की, निराई भी की, सिंचाई भी की, कटाई भी की। इसीलिए तो उसे मिला ढेरों ढेर अनाज। फिर मुर्गा अनाज घर ले आया। उसने और मुर्गी ने मिलकर अनाज फटका, छाना और बीना। और इस तरह उनके पास हो गया ढेर सारा अनाज। और कौवे को मिली आलस की सजा। तुम्हारे पास आकर मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। जब मैं छोटी सी थी तुम्हारे बराबर, तो रात दिन बाबा को खेतों में मेहनत करते देखती थी। बाबा पहले जमीन तैयार करते थे, मिट्टी को भुरभुरा करके बीज डालते थे। इस तरह की जाती थी बुआई। इसके बाद बाबा जमीन में पानी से सिंचाई करते थे। नन्हे-नन्हे अंकुर फूटते, तभी बढ़कर बनते पौधे। बुआई कर बोए बीज, नन्हे पौधे बन गए बीज। हां, तो उन पौधों के बीच कुछ घास भी निकल आती थी। बाबा उस घास को उखाड़ देते, कहते निराई करता हूं। मैं भी निराई करवाती। फिर बाबा सिंचाई करते। कैसे? पानी देकर करें सिंचाई।
घास उखाड़े करें निराई। इस तरह से मेहनत करते और पौधे बढ़ते। जब फसल तैयार हो जाती तो फसल काटी जाती। कैसे कटती फसल? मेहनत की सबने दिन रात, कटी फसल फिर हाथों हाथ। कट गई कट गई कट गई रे, फसल हमारी कट गई रे। हाँ, तो फिर फसल को काट कर अनाज से भूसा अलग किया जाता। फिर अनाज पहुंचता घर पर और अब शुरू होता अम्मा का काम। अम्मा सूप में अनाज को फटकती, फटक फटक कर भूसा अलग करती। छलनी से छान छान कर मिट्टी साफ करती। निकला ढेरो ढेर अनाज, फटका ढेरो ढेर अनाज, खाना ढेरो ढेर अनाज, पीना ढेरो ढेर अनाज। तो बच्चों, एक दिन मैंने सोचा क्यों ना रोटी को ही बो दिया जाए। बस फिर क्या था, एक दिन मैंने चुप चाप से एक रोटी उठाई और बो दिया जमीन में। रोटी का पौधा निकलेगा, रोटियां उगाएंगी और अम्मा को रोटी बनाने से मिलेगी छुट्टी। मैं पानी डालकर रोज सिंचाई करती और रोटी के पौधे के निकलने का इंतजार करती। रोटी का पौधा तो नहीं, घास निकल आई, लेकिन रोटी का पौधा तो उगा ही नहीं। एक दिन अम्मा ने मुझे सिंचाई करते देखा और पूछा, किसकी सिंचाई कर रही हो बेटी? मैंने कहा, अम्मा रोटी को मैंने बोया था, रोटी के पौधे पर रोटियां उगेंगी, तुम्हें रोटी बनानी ही नहीं पड़ेगी। रोज सिंचाई करती हूँ, निराई भी की, पर पौधा उगता ही नहीं। तब अम्मा ने हंसकर कहा, अरे पगली, पौधा तो बीज से उगता है, बीज से। देखती नहीं, बाबा बुआई करते हैं, सिंचाई करते हैं, निराई करते हैं, तब फसल कटती है, अनाज निकलता है। अनाज मैं फटकती हूँ, छानती हूँ, बीनती हूँ, पीसती हूँ और तभी तो मिलती है रोटी, मेहनत की मीठी मीठी रोटी। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।